हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनपॉज्ड एकेडमी। अगर आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल चुका है तो आप जानते होंगे कि गेम ड्राइवर क्या है, प्री रिलीज ड्राइवर क्या है और सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर क्या है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा चर्चा उसके बारे में ज़्यादा होगी, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ ये सारे गीक बेंच निकालने के लिए। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी नोकिया का 6.1, जिसमें एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिला हुआ है। लेटेस्ट मार्च का सिक्योरिटी पैच इसमें है और आगे चल के मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या गीक बेंच आने वाला है, जो गेम ड्राइवर है, सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर है और फिर आपका प्री रिलीज ड्राइवर है। तो चलिए सेटिंग चेंज करता हूँ और आपको गीक बेंच दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन में आना है और डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस में जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ का सेटिंग चेंज हुआ, सबको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं कि सारा डिफ़ॉल्ट है, ये सब देख सकते हैं आप, सारा डिफ़ॉल्ट है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले गीक बेंच लूँगा प्री रिलीज ड्राइवर की। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ प्री रिलीज ड्राइवर और मैं श्योर कर लेता हूँ सब कुछ ठीक है, बैकग्राउंड में कोई ऐप्स नहीं चले और मैं Geekbench 5 यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि अंतुतु मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा था तो मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। तो देख सकते हैं अब मैं Geekbench दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, ये थोड़ा फास्ट मैं कर देता हूँ इसको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे मुझे 20 मिनट लगे इसको पूरा Geekbench लेने में, इसलिए आपको Geekbench की और कोई वीडियो नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि सारे को खोल के एक एक को फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई मुझे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आई। मैं रात में ले रहा था तो Geekbench कुछ आ रहा था और अभी कुछ और आ रहा है, क्योंकि उस टाइम मेरा फ़ोन ठंडा था और अभी गर्म में है, जिसके चलते मेरा फ़ोन हीट कर रहा है और CPU पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है। मैं आगे दिखाता हूँ इसमें, इसको गीक बेंच हो जाने दीजिए, हो गया है, देख सकते हैं आप कुछ स्कोर्स। मैं आपको लास्ट में फाइनली स्कोर्स बताऊंगा क्या हो रहा है, आप ऐसे कुछ झलक देख सकते हैं क्या हो रहा है अभी। ये सब मल्टी कोर्स के परफॉर्मेंस है, मेरा सिंगल कोर परफॉर्मेंस है, ये मल्टी कोर परफॉर्मेंस है आपको प्री रिलीज ड्राइवर में। अब मैं जा रहा हूँ गेम ड्राइवर में, अब मैं प्री रिलीज्ड को हटाकर गेम ड्राइवर को ऑन करके मैं उसका गीक बेंच लेने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, सेट हो गया है, फिर से श्योर कर लेता हूँ कोई आप बैकग्राउंड में रन ना करे। ठीक है, स्टार्ट, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, कुछ चल तो नहीं रहा। अच्छा चलिए अब स्टार्ट करते हैं, CPU का बेंचमार्क देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है, फ़ोन अपने हिसाब से चेंज करता है जब भी आप, मतलब अगर ठंड में चला रहे हैं तो उसका CPU लोड थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उसमें हीटिंग नहीं आएगी तो CPU पूरा लोड ले पाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी तक जा पाएगा, तो परफॉर्मेंस में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस टाइम मेरा फ़ोन हीट कर रहा था पहले से ही, क्योंकि गर्मी है बाहर और मैं शूट जहाँ कर रहा हूँ बालकोनी है मेरी, तो समझिए कि उस टाइम मेरा फ़ोन ज़्यादा हीट कर रहा था, इसलिए थोड़ा तो फ्लक्चुएशन अप डाउन 2-3% का होगा। तो चलिए बेंच मार्किंग तो हो गई, लगभग पूरी होने वाली है, मैं इसका भी देख लेता हूँ क्या आ रहा है। तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं सिंगल कोर में थोड़ा ज़्यादा है प्री रिलीज से पहले, और मल्टी कोर लगभग वही है। मैं आपको सब की लास्ट में एक बनाकर दिखा दूंगा कि क्या हो रहा है इसमें, जो मैं अलग अलग ड्राइवर्स चूज़ कर रहा हूँ। तो चलते हैं तीसरे के तरफ, तीसरा है हमारा खुद का डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट करके चेक कर लेते हैं कहीं उसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मिलती है या कम मिलती है। तो मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। तो गेम ड्राइवर में आने के बाद यहाँ पे चूज़ कर लेना डिफ़ॉल्ट, चलिए इसको भी रन कर लेते हैं।
इसको भी पूरा करके दिखा ही देते हैं कि ज़्यादा बेस्ट क्या है आपके फ़ोन के लिए, अगर आप एक गेमर हैं उसके लिए क्या है और एक मल्टीटास्कर हैं उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा। वैसे ये सब के बारे में कोई डिटेल बात नहीं करता है, मैं यूट्यूब पे इस पे वीडियो ढूंढता रह गया, मिला नहीं, तो सोचा कि खुद कहीं वीडियो बना के मैं लोगों को दिखा दूँ, हो सकता है बहुत लोग ढूंढते होंगे। तो भाइयों इसी तरह आकर देखते रहिए मेरा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे मुझे कुछ हेल्प मिलेगा। ऐसे ऐसे वीडियोस और लेकर आऊँगा जो अलग टाइप का होगा, ठीक है? तो ये भी होने वाला है भाइयों, इसका भी बेंचमार्किंग कंप्लीट होने को है। चलिए देख सकते हैं, इसमें कुछ डिफरेंट आया है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है पिछले से, भले मल्टी कोर थोड़ा डाउन हुआ है, मल्टीटास्कर के लिए तो सिंगल कोर ही चाहिए भाई। अब मैं आपको लास्ट में सबका हिस्ट्री बता देता हूँ क्या है। पहले हम थोड़ा सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर जो है इसको भी टेस्ट कर ही लेते हैं, ये क्या है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर कुछ खास कर पाएगा, लेकिन फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें मेरा डिफ़ॉल्ट, मतलब एक बार मैं चार पूरा फ़ोन के लिए मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर, तो मैं सिर्फ़ एक ऐप के लिए यूज़ कर लेता हूँ, गीकबेंच जो ऐप है मेरा उसके लिए। अब इंस्टॉल कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, अब श्योर कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, पहले सब ऑन था। तो दोस्तों सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर का जब गीक बेंच कर रहा था तो फिर उस टाइम कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसके चलते मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको अभी सारा दिखाता हूँ हिस्ट्री कैसे कैसे क्या है। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो पहली बार मैंने किया था वो था प्री रिलीज ड्राइवर। तो आप देख सकते हैं प्री रिलीज ड्राइवर के टाइम मुझे मिला है 175। प्री रिलीज का मतलब होता है मल्टी कोर भी लगभग 962 है और सिंगल कोर 175 है, जो कि मेरा लगभग डिफ़ॉल्ट में भी 175 होने के आसपास ही होता है, लेकिन मल्टी कोर में थोड़ा ज़्यादा है, इसके चलते मैं गेमिंग थोड़ा खेल सकता हूँ प्री इंस्टॉल्ड में। और उसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद मेरा गेम ड्राइवर है, गेम ड्राइवर में थोड़ा सा 176 मिला सिंगल कोर में, मल्टी कोर में भी 962 लगभग प्री इंस्टॉल के बराबर है, तो उसमें भी मैं थोड़ा गेमिंग हार्ड कर सकता हूँ। फिर इसके बाद आता है मैं डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में आप देख सकते हैं कि सिंगल कोर थोड़ा ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा जा सकता था, मेरा 179 हाईएस्ट किया था। तो इसमें मल्टी कोर आपका डाउन है, मैं इसमें गेमिंग उतना कोई हार्ड कोर नहीं कर सकता हूँ, वैसे तो ये फ़ोन ही बेकार है कि मैं इसमें गेमिंग भी हार्ड कोर करूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस सेटिंग से मेरा थोड़ा गेम इन्हेंस होता है। लेकिन याद रहे दोस्तों, प्री रिलीज जो ड्राइवर है और गेम ड्राइवर जो भी है, ये दोनों बैटरी बहुत उठाएंगे आपके, तो सोच समझ के यूज़ करना है। जब आप सही में गेम खेलना चाहते हैं तो गेम जो गेम के लिए है उसी के लिए ही वो ड्राइवर यूज़ करें, पूरे फुल आपके सिस्टम के लिए ना यूज़ करें। और सबसे लास्ट में आप जो देख रहे हैं, जो 175 दिखा रहा सिंगल कोर और मल्टी कोर है आपका 969, वो है आपका ग्राफिक जो आता है सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर उसका है। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर और ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर सिर्फ 3D गेम्स के लिए ही ठीक रहता है, और अदर कोई भी गेम है छोटा मोटा जो 2D पे चलता हो तो उसके लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप सोच समझ के आप अपने ऐप्स को इंस्टॉल करके, मतलब सोच समझ के आप अपने ऐप्स को इस हिसाब से चला सकते हैं, जिस ऐप्स को चलाना चाहते हैं उस हिसाब से रखिए। मैं कहूँगा कि डिफ़ॉल्ट रखना बैटरी को बचाने के लिए बहुत बेस्ट है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे और इन्हेंस प्लेइंग करना है जैसे पबजी खेलना है, तो आप गेम ड्राइवर डाल सकते हैं पबजी के लिए। हम मैं कहूँगा कि सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर और सही है, मल्टी कोर में और ज़्यादा मिलता है। तो चलिए दोस्तों ये टेस्ट पूरा होता है, आप समझ गए होंगे कब मुझे क्या क्या सेटिंग्स चेंज करनी है। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।